नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम के साथ कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक छोटे से प्रॉब्लम के बारे में। मिस्टर अशोक कुमार जो हमारे सब्सक्राइबर है, और सब्सक्राइबर से याद आया कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज अपलोड करने के लिए। तो जैसे कि ये पूछ रहा है कि अगर अकाउंट नंबर डालना हो जो 16 डिजिट का हो तो कैसे होगा। तो चलिए इनकी प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, और इससे रिलेटेड मुझे कई सारे कॉल्स भी आ गए हैं, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी नंबर ज्यादा ज्यादा डिजिट, 15, 16, 14, 13 डिजिट का डालना हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपके साथ कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव, ऑनलाइन वीडियो क्लास नहीं है हमारा, ये लाइव क्लासेज है। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को डायरेक्ट आपके कंप्यूटर पे शेयर करते हैं एंड हेडफोन से आपस में डिस्कस करते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स हर चीज क्लियर कर सकते हैं। ऐसा क्लास इसलिए दी जाती है ताकि जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग ऐसे क्लासेस को ले सके। सर, चलिए बैक टू टॉपिक। तो मिस्टर अशोक कुमार का क्वेश्चन है कि वो 16 डिजिट से ज्यादा का जो नंबर है कैसे डालेंगे। तो चलिए हम डाल के देखते हैं नंबर। यहाँ पे पहले 9 डिजिट, 10 डिजिट, 10 डिजिट तक आपको आसानी से दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैंने 11 डिजिट डाला, फिर भी दिख रहा है। जैसे इसमें आप 12वां डिजिट डालेंगे, आपको प्लस साइंटिफिक फॉर्मेट आ जाएगा। अब साइंटिफिक फॉर्मेट आ गया तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं होगा, हो डाल सकते हैं हम। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसके कस्टम पे जाएंगे और इसमें हम हैश की दे देंगे। हैश की डाल दिया तो 12 डिजिट, 13 डिजिट, 14 डिजिट, 15 डिजिट तक दिखेगा आपको। 16वां डिजिट जैसे आप इसमें डालेंगे वो 16वें डिजिट को जीरो कर देगा। ऐसा इसलिए करता है कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन के लिए ही बना है। 15 डिजिट से ज्यादा कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका 15 डिजिट तक का ही लेता है। तो एज ए नंबर फॉर्मेट में 15 डिजिट तक की एंट्री कर सकते हैं आप, जो कैलकुलेटिव है। लेकिन अगर उससे ज्यादा के नंबर एंट्री करनी हो तो सिंपल सा एक सिंगल कोड प्रेस करें और अपने नंबर्स को डालते चले जाए। जितना डिजिट डालना है आप 32,767 तक डाल सकते हैं, बट कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके सेल पूरे कॉलर में अगर मान लीजिए नंबर 16 डिजिट का ही डालना है, तो आप सिंगल कोड हर सेल पे ना लगा के आप फॉर्मेट सेल के टेक्स्ट वाले पार्ट पे चले जाए और उस टेक्स्ट वाले पार्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे टेक्स्ट या फिर कस्टम में एडिट कर दे, यहाँ पे टेक्स्ट कर दे, दोनों से कोई एक कर सकते हैं आप। एंड ओके करें तो यहाँ आप देखेंगे कि अब आपको सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं। तो आशा है मिस्टर अशोक जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो आप लोग भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, लेकिन कमेंट में डालने पे मैं तुरंत जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और सारे कमेंट्स को रिप्लाई एक दिन में करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास 14 घंटे की क्लासेस भी होती है। तो जब मुझे टाइम निकलता है तो मैं उनकी कमेंट्स पे वीडियो बनाता हूँ, अगर कमेंट्स वीडियो बनाने लायक हुआ तो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर हमारी पेन ड्राइव, वीडियो पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और वहां से परचेज कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।